Okay, so let's have a look on this question now. A company is considering the proposal of taking a new project. कंपनी एक नया प्रोजेक्ट है जिसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहती है. ओके, विच रिक्वायर्स एन इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीज़ 400 लाख ऑन मशीनरी एंड अदर असेट्स, जिसमें आपको इन्वेस्टमेंट करना है 400 लाख का मशीनरी पे और अदर असेट्स पे. द प्रोजेक्ट इज एक्सपेक्टेड टू यील्ड द फॉलोइंग अर्निंग्स बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्सेस ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर्स. 400 लाख ऑन मशीनरी एंड अदर असेट्स. द प्रोजेक्ट इज एक्सपेक्टेड टू यील्ड द फॉलोइंग ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर्स. ईयर आपको दिया है 1, 2, 3, 4, 5. अर्निंग्स आपको दिया हुआ है, यानी 400 लाख आप इन्वेस्टमेंट करोगे. उसके बाद में नीचे दिए गए अर्निंग्स होगी. कॉस्ट ऑफ रेजिंग द एडिशनल कैपिटल इज 12%. ये आपको डिस्काउंटिंग रेट बन जाएगा आपका. एंड असेट्स हैव टू बी डेप्रिशिएटेड एट 20% ऑन WDV बेसिस. ओके, डेप्रिशिएशन जो यूज़ करना है आपको WDV बेसिस पे यूज़ करना है. द स्क्रैप वैल्यू जो होगी एट द एंड ऑफ 5 ईयर्स पीरियड मे बी टेकन एज जीरो. Income tax applicable to the company is 50%. You are required to calculate the net present value of the project and advise the management to take appropriate decision. Also calculate the internal rate of return of the project. बहुत कुछ चीज़ें आपको दी हुई है इस क्वेश्चन में, ध्यान दो. सबसे पहले हम डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन कर लेते हैं. मैं यहाँ ले लेता हूँ ईयर. वन, टू, थ्री, फोर और फाइव. ओपनिंग, डेप्रिसिएशन, WDV. कितना? 400 लाख की मशीन है. 400 लाख की मशीन है जिस पे हमको 20% डेप्रिसिएशन लगाना है. तो वो आ जाएगा 80 पहले साल, बचेगा कितना? 320. उस पे 20%, 64, बचेगा कितना? 256. 256 पे 20%, 512, यानी सॉरी 51.2 माइनस किया तो 204.8. 204.8 इंटू 20% 40.96, 163.84. अब 163.84 पे लगाना है तो लगाओ डेप्रिसिएशन. 32.77 नहीं लगाया तो भी चलता. 131.07. क्यों? क्योंकि लास्ट ईयर में सैलवेज वैल्यू ज़ीरो है, तो ये खर्चा है आपका और ये लॉस है, तो ये लॉस PNL में चला जाएगा. मतलब यहाँ से तो हट जाएगा ना, फिक्स्ड एसेट से. देखो, आप मशीन बेच दोगे 5वें साल में, बुक्स में कितना दिख रहा था? 131. तो इसका क्या करोगे? PNL में चला जाएगा, राइट ऑफ कर दोगे, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस. तो टैक्स सेविंग इस पे भी होनी है, टैक्स सेविंग 32 पे भी होनी है, यानी अल्टीमेटली पूरी टैक्स सेविंग 163 पे होगी. आ रही बात आपके समझ में? तो चलो EBIT ले लेते हैं अभी. सॉरी, अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स की फिगर आपको दी हुई है. अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स 160, 160, 180, 180 और 150. तो अर्निंग बिफोर टैक्स ले लेते, इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे 80, 160 में से 64 गए, 96, फिर 180 में से 51.20 गया 128.8, 180 में से 40.96 गया 139.04, और 150 में से 163.84 गया 13.84. इसके नीचे मैं कैलकुलेशन लिख देता हूँ एक बार का. 150 माइनस 163.84, ठीक है, दिस इज लॉस, दिस इज डेप्रिसिएशन. दोनों लास्ट ईयर में दोनों खर्चा है, बता रहा हूँ, सो कन्फ्यूजन नहीं होना. टैक्स, या आप डायरेक्ट आफ्टर टैक्स में कन्वर्ट करो ना उसको. अर्निंग आफ्टर टैक्स क्या रेट्स है टैक्स के? 50% टैक्स का है तो आफ्टर टैक्स भी 50% ही आएगा. 40, 48,
64.4, 69.52, 6.92, ये सेविंग हो रही है. सॉरी, ये टैक्स आपका क्या बोल सकते हैं आप, लॉस था तो सेविंग हो रही है. अब यहाँ आ जाएगा कैश फ्लो आफ्टर टैक्स. कैश फ्लोज आफ्टर टैक्स कैसा, डेप्रिसिएशन या नॉन कैश आइटम ऐड बैक करके होता है. तो 80 में 40 डाल दोगे ये 120 आ जाएगा, 48 में 64 डाल दोगे 112. वापस डेप्रिसिएशन ऐड बैक करो क्योंकि ये नॉन कैश आइटम था, सिर्फ टैक्स के लिए उसको लिया था. अब टैक्स की फिगर निकाल चुके हैं तो वापस ऐड बैक कर दो. ये वाली फिगर ध्यान में रखना, क्या है ये, -6.92 प्लस 163.84, क्योंकि पूरा लॉस भी नॉन कैश है, डेप्रिसिएशन भी नॉन कैश है, इन दोनों पे सिर्फ टैक्स सेविंग लेनी थी इसलिए माइनस किया था. अब वापस ऐड बैक कर दिया, कैश फ्लोज आफ्टर टैक्स हो गया. चलो तो आपका मेन आइटम निकल गया, पता है. अब आपको सिर्फ डिस्काउंटिंग रेट लेना है, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट, क्या फैक्टर दिया हुआ है, 12%, और प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी 0.893, 0.797, 0.712, 0.636, 0.567 मल्टीप्लाई कर लेते हैं. चलो 107.16, 112 इंटू 0.797, 89.26. ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो है. कैश आउटफ्लो था आपका 400, सो एनपीवी आपकी आ गई 37.97. पहला आइटम है आई थिंक आपका ये जो उन्होंने निकालने बोला है, यू रिक्वायर टू कैलकुलेट द एनपीवी ऑफ द प्रोजेक्ट एंड एडवाइज द मैनेजमेंट टू टेक अप्रोप्रिएट डिसीजन. सो ऑब्वियसली एनपीवी पॉजिटिव आने की वजह से हमारा डिसीजन क्या होगा यहाँ पे, एज एनपीवी इज पॉजिटिव मैनेजमेंट कैन टेक अप दिस प्रोजेक्ट. सिंपल, ठीक है. अच्छा अब देखो अब हमको क्या निकालने बोला है, आईआरआर भी निकालने बोला. अब आईआरआर कैसे निकालते हैं, आईआरआर में हमको एनपीवी जीरो चाहिए होती है. हमारे पास एक रेट है जहाँ पे एनपीवी पॉजिटिव है, एक रेट ऐसा निकालो जिस पे एनपीवी नेगेटिव है. सो पॉजिटिव एनपीवी नेगेटिव एनपीवी के बीच में जीरो एनपीवी होगी, तो ये रेट और ये रेट के बीच में हमारा आईआरआर होगा. सो मुझे एनपीवी जो है अब गिरानी है 37 से और नीचे जाना है तो रेट बढ़ाना पड़ेगा. लेट्स टेक आई थिंक प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट 15% लेने से भी आ जाएगा. कुछ उल्टे सीधे कैलकुलेशन करके देखो तो समझ में. एटीन परसेंट ले लो और ये प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी. 18% से फैक्टर लेते 0.847, 0.718, 0.609, 0.516, 0.437 मल्टीप्लाई करते 101.64,
नाइन अरे रे 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 112 इंटू 120 इंटू 0.847, 112 इंटू 0.718, 80.42, 115.60 इंटू 0.609, 70.40, 110.48 इंटू 0.516, 57, 156.92 इंटू 0.437, 68.57। 1 2 3 4 5 टोटल आती है कुछ 378.04। ये 400 तो नेगेटिव आ रहा है, माइनस 21.96। कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में मेरा ये है NPV। एक बार कैलकुलेशन फिर से चेक कर लेता हूँ। 120 इंटू 378। चलो ठीक है। सो कहीं ना कहीं इन दो रेट के बीच में, क्योंकि ये दो आपका पॉजिटिव NPV नेगेटिव NPV, तो ये दो रेट के बीच में ही आपका IRR है। IRR कैसे कैलकुलेट करेंगे? 12% और 18%। इस पे है NPV 37.97 और इस पे है 21.96। ठीक है, आपको 6% मिलता है जब आप इतना डिस्टेंस कवर करते हो, तो 59.93 वाला, 37.97। सो कम से कम 12 प्लस 6 मिलेगा 59.93। लेकिन आपको 21 तक पहुंचना ही नहीं था, आपको तो सिर्फ 0 तक जाना था। तो कितना डिस्टेंस कवर करने की ज़रूरत थी? सिर्फ 37.97 की, 15.80% इज़ द रेट। दिस इज योर IRR, प्लेन एंड सिंपल। NPV भी निकल गया और आपका IRR भी आ गया इसी क्वेश्चन में। नोट डाउन कर लो, बस ये एक चीज़ नोटिस करना कि भाई शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस और डेप्रिसिएशन आखिरी में दोनों जगह आएगा। ये एक गलती हो सकती है आपसे, बाकी आज सच कुछ गलती करने लायक क्वेश्चन में नया नहीं है। सो ये वाला आइटम आप नोट करके ज़रूर रखना, इसका ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए यहाँ पे। आंसर्स नोट डाउन कर लो, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। बाय बाय।